हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज क्लास 12 का जो अल्टरनेटिव इंग्लिश का जो एग्ज़ाम गया 2022 का, उसका जो ग्रामर पार्ट है उसका सॉल्यूशन लाया हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। BH ट्यूशन क्लासेस का फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सब BH ट्यूशन क्लासेस करके है, उसको प्लीज़ जाके फॉलो करें। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो, आप मार्क्स कैलकुलेशन करने में आपका आसानी हो। आपका गलत हुआ है या फिर सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो क्या था कि चेंज एनी 5 ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आया है। देखिए, नॉन बट अनीता कैन डू द सम, इसको एफर्मेटिव में बदलना है। तो इसका क्या होगा, ये होगा ओनली अनीता कैन डू द सम। ठीक है, सही हुआ होगा आप लोगों का। बी नंबर पे क्या है, ऑल ऑफ देम वेलकम्ड द सजेशन एंथुसिएस्टिकली, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में बदलिए, कैसा होगा, द सजेशन वाज वेलकम्ड एंथुसिएस्टिकली बाई ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डजेंट ही लिव विथ हिज पेरेंट्स, इसको एसर्टिव में बदलना है। तो क्या होगा, ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। ठीक है, डी नंबर पे क्या होगा, द स्ट्रॉबेरी पाई वाज ईटन बाय मी, इसको एक्टिव में बदल ले। तो क्या होगा, आई एट द स्ट्रॉबेरी पाई। ठीक है, ई नंबर पे क्या होगा, एज सून एज ही शो मी ही बिगेन टू वीप, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो क्या होगा, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगेन टू वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ एंसरिंग द क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो क्या होगा, इज दिस नॉट द करेक्ट वे ऑफ एंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो जी नंबर पे क्या है, एवरीबॉडी मस्ट एडमिट दैट शी इज़ ए गुड सिंगर, इसको निगेटिव में बदलना है। तो ऐसा होगा, नोबडी विल डिनाई दैट शी इज़ ए गुड सिंगर। लेट द गेम बी फिनिश्ड, तो इसको एक्टिव में बनाओ, क्या होगा, फिनिश द गेम। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों का सही हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैक्स, तो क्वेश्चन टैक लगाना है, कोई भी 5 लेना है, 5 मार्क्स का है, यहाँ पर हम सारे करेंगे। सबसे पहला वाला क्या है, देखिए सबसे पहला वाला, एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग टुडे, तो क्या होगा, हैज़ है ना, तो हैजंट इट। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो वही है आंसर। उसके बाद देखिए, यू आर कमिंग टू स्कूल, तो क्या होगा, आरंट यू, क्लोज द डोर, वॉन्ट यू। उसके बाद डी नंबर पे, यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर इन योर मिल्क, क्या होगा, डोंट यू, डोंट गो देयर, विल यू। देखिए ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव, ऐसा करके टोटली वाइस वर्सा होता है। एफ नंबर पे, सचिन शुडंट हैव प्लेड दैट शॉट, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, शुड ही। ठीक है, द हाउस नीड्स इमीडिएट रिनोवेशन, तो क्या होगा, डजंट इट। उसके बाद देखिए, नो मैन इज मॉर्टल, तो क्या होगा, इजंट इट। तो यहाँ तक आपका सही हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ आप सभी का सही हो। उसके बाद देखिए, चलिए जाते हैं प्रीपोजिशन के लिए। प्रीपोजिशन में क्या है, ए नंबर पे क्या है, आई कैन सी द बोट, यहाँ पर होगा इन द पिक्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए, द मैन, द वुमैन इज सीटिंग ऑन द रग। ठीक है, उसके बाद द कप इज इन हर हैंड। ठीक है, उसके बाद डी नंबर पे क्या होगा, आई एम एनसियस अबाउट द रिजल्ट। ई नंबर पे, बी ट्रू टू योर वर्ड्स। ठीक है, एफ नंबर, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है, जी नंबर पे, रिनी हैज रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, फ्रॉम होगा। इस नंबर पे, यू मे रिलाई ऑन माय वर्ड। ठीक है ना, यहाँ तक सही हुआ होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सही वर्ब लगाना है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही वर्ब निकल के लगाना है टेंस। तो चलिए, क्या लिखा है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो क्या होगा, तो फ्लोट्स हो जाएगा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। उसके बाद क्या है, ही गो होम व्हेन ही मेट हिम, तो ये बनेगा, ही वाज गोइंग होम व्हेन मेट हिम। ठीक है, उसके बाद सी नंबर पर देखिए, आई वांट टू गो फॉर ए वॉक बट आई नॉट फिनिश माय वर्क येट, क्या होगा, आई वांट टू गो फॉर ए वॉक बट आई हैव नॉट फिनिश्ड होगा, ये नॉट फिनिश्ड है ना, क्या होगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई येट वर्क येट। उसके बाद देखिए, परहैप्स इट रेन यस्टरडे, शायद कल बारिश हुआ था, तो क्या होगा, रेन बन जाएगा, रेन्ड, परहैप्स इट रेन्ड यस्टरडे। तो उसके बाद देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स लीव व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, तो ये बन जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐप नंबर पे क्या है, यू स्लीप फॉर 3 आवर्स नाउ,
क्या क्या होगा, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स नाउ, यू हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है ना। जी नंबर पे आई आस्क्ड इफ शी सी हिम बिफोर, तो क्या होगा, आई आस्क्ड इफ शी हैड सीन हिम बिफोर। उसके बाद देखिए, वी वर्क ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या बनेगा, वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यही था, आप लोगों को शायद हेल्प हुआ होगा, अगर हेल्प हुआ तो प्लीज़ बी एस ट्यूशन क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।